सीएम के गोरखपुर के होंगे तीन दौरे, मिलेगी करीब 3,000 करोड़ की सौगात। 27 नवंबर को करीब 1,822 करोड़ रुपए की लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 28 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना में 1,000 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। 30 नवंबर को गीडा दिवस समारोह में होंगे शामिल। 200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर रहेंगे मौजूद। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होकर करीब 950 करोड़ रुपए की चार विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर के महायोजना 2031 पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सुनवाई का कार्य हुआ प्रारंभ। कहा 100 व्यक्तियों की गई है सुनवाई, अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी सुनवाई। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी के पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। देवरिया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी का बस से उतरने के दौरान गुम हुए पिच्छू बैग को यातायात निरीक्षक रामज्ञा प्रसाद द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के पास से किया गया बरामद। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात कार्यालय बुलाकर विवेक त्रिपाठी को किया सुपुर्द। बैग में डेल का था लैपटॉप। बैग को प्राप्त कर विवेक त्रिपाठी ने गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस की काफी प्रशंसा। लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 208 में फंसे 2 साल के बच्चे को फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू यंत्रों के साथ किया रेस्क्यू। सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा बच्चे को सकुशल उसके मां और पिता को किया गया है सुपुर्द। सिख वेशभूषा के रूप में गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं बहरूपिये। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में नहीं वसूला जाता है किसी प्रकार का चंदा। सिख धर्म में चंदा मांगना बहुत ही है निंदनीय। पीट व छेड़खानी करने के आरोप में एक अभियुक्त प्रभात कुमार पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला का सीडीओ संजय कुमार मीना की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा जनपद के 6,742 दिव्यांग बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षा। विद्यालय न आने वाले बच्चों को घर पहुंचकर पढ़ने के लिए किया जाता है प्रेरित। प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त राज उर्फ किशन जायसवाल को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू को किया बरामद, भेजा जेल। राजकीय बौद्ध संग्रहालय परिसर में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिवम निषाद ने प्रथम, खुशी त्रिपाठी दूसरा, रीला गुप्ता ने प्रतियोगिता में पाया तीसरा स्थान। बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक ने कहा इस तरह की प्रतियोगिता से छात्र बनेंगे प्रतिभावान। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजन चौहान को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंटर ड्यूज कॉलेज के स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा भारत में जल संकट के टॉपिक पर पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 30 नवंबर को विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत।